हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रतीक पटेल गुजरात के वलसाड जिले में आयुर्वेद प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपके साथ एक साइकियाट्रिक मरीज की हिस्ट्री के बारे में, उसे जो ट्रीटमेंट दी, उसमें जो रिजल्ट मिला, वो क्या रिव्यू देते हैं, ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सुनील अग्रवाल। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे को पिछले एक साल से पीठ में दर्द था और थोड़े समय 2-3 महीने से मुझे पैर में झंझनाहट और उसकी भी शिकायत थी। पैर में, उल्टे पैर में मुझे दर्द होता था और मतलब बहुत ज़्यादा पीठ में भी अकड़न महसूस होती थी, गर्दन में अकड़न महसूस होती थी। ऐसी सब समस्या थी मुझे। सर्वाइकल फ्रोजन शोल्डर की भी प्रॉब्लम थी। थोड़े समय तक कुछ उपचार, मतलब मसल रिलैक्सेंट खाए थोड़ी बार, एक आधी दो बार, पर और किसी एलोपैथिक डॉक्टर की मैंने दवाई तो नहीं ली, बट मैंने एक बार यूट्यूब पे वीडियो देखा और मुझे एक जानकार से पता चला कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसका होता है, उसमें पंचकर्म करवाना होता है, तो उसको मैंने रेफ़र किया वीडियो और मुझे लगा कि शायद उपयोगी होगा। तो उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर प्रतीक से। उसके बाद मुझे उन्होंने बताया कि आपको पत्थर पोटली सेक करके उपचार है, वो हम देंगे, तो उससे आप देखिए आपको कैसा लगता है। तो उसके बाद मैंने उनसे वो ट्रीटमेंट लिया। ओके। एक महीने तक आपने ट्रीटमेंट लिया हमारे सेंटर में? हाँ, उसके लिए मैंने ट्रीटमेंट लिया और थोड़ी दवाइयाँ भी साथ में उन्होंने दी थी। मेरा जो डाइजेशन का प्रॉब्लम था, जो मेरा एक सब्सिडरी कॉज है इसका, क्योंकि जब जब मुझे गैस बनती है तो मुझे पेन ज़्यादा होता है, तो उसके लिए उन्होंने साथ में मुझे ट्रीटमेंट भी दिया और 1-7 दिन का मेरे को पत्थर पोटली सेक करके दिया, जिसमें 2 दिन रेत से सेक किया, 5 दिन मुझे मसाज किया ऑयल के साथ में पोटली से। तो उसके बाद मेरे को अभी 10-15 दिन हो गए हैं, तो अभी काफ़ी रिलीफ लग रहा है। पिछले 6 महीने से जो मेरा पेन था ज़्यादा मेरे को पीठ में, और पिछले 2 महीने से जो मेरे पैर में जो झंझनाहट और जो कंटिन्यू मेरा मसल लैक हो रहा था, काफ़ी दिक्कत होती थी, तो उससे अभी मुझे 80-90% तक आराम है। पीठ में काफ़ी रिलीफ है। दूसरे लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हो आप? मैसेज यही देना चाहता हूँ कि जो ये जो लोग जो डायरेक्टली मतलब पीठ में दर्द होता है, तो अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो, तो मैं एलोपैथिक सिस्टम से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मुझे पता है कि इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है। इसके अंदर या तो आपको पहले मसल रिलैक्सेंट देते हैं, दर्द की दवाइयाँ देते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह मसल रिलैक्सेंट्स देते हैं, और उसके बाद अगर वो ठीक नहीं होता है तो आपका वो सर्जरी रिकमेंड करते हैं। मेरे को वो ट्रीटमेंट में नहीं जाना था, क्योंकि मुझे उधर से पहले से मुझे वो चीज़ें पता थी। तो आप अगर ऐसी चीज़ में अगर पहले आप आयुर्वेद इस्तेमाल करते हैं और उससे आपका क्योर होता है, तो आप मतलब डायरेक्ट सर्जरी से या मतलब बच सकते हैं। और दूसरा, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है उसकी जो कॉस्ट है वो भी आपकी एलोपैथिक ट्रीटमेंट से बहुत कम है और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि आप एक बार आयुर्वेद ट्राई कीजिए, 101% आपके अगर ऐसा इस तरह की तकलीफ है तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका क्योर हो जाता है तो आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, तो आपका वो एक बेनिफिट होगा, आप सर्जरी से बच जाएंगे या फिर आप बहुत लंबे समय तक दवा एलोपैथिक दवा खाने से बच जाएंगे। कौन से सेंटर पे आपने ये ट्रीटमेंट ली, ये ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। अमृत आयुर्वेद दवाखाना तथा पंचकर्म सेंटर पार्डी से, मैंने जहाँ पर मैं रहता हूँ पूनिया रोड पे, वहाँ पर ये सेंटर है, वहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट ली। तो मेरा कहना यही है कि आप आइए, अच्छा है रिजल्ट, और अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो जो दूसरे आयुर्वेदिक सेंटर है वहाँ जाइए, पर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए इन बीमारियों में जाइए तो आपको उपयोगी रिजल्ट मिल सकते हैं। ओके, आपने जो रिव्यू दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।